नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से जो आजकल वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसको करके फ़ायदा ज़रूर ले रहे होंगे। और अगर अभी तक नहीं देखा है कि किस टॉपिक पे आजकल हम चर्चा कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ, वो है मोटापा पूरे शरीर का। ठीक है, पूरे शरीर के मोटापे पे आजकल हम वीडियोस ला रहे हैं ताकि आप लोग फ़ायदा उठा सकें। चलिए, आज की जो एक्सरसाइज या जो आसन मैं बताने लगी हूँ, इसको बताने से पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। तो बढ़ते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, पहले की वीडियोज़ भी देखें और आज जो बताने लगी हूँ वो भी देखें और एक साथ करने की कोशिश ज़रूर करें। तो क्या करना है, आज आपको आना है इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल बनना है हमें, हमारे हाथ कंधों के नीचे, उंगलियां खुली हुई, हमारी नीज हिप के नीचे, उतने ही गैप के साथ पैर भी और घुटने भी। अब क्या करना है, देखिए, जो गर्दन है ना तो उसे बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ ऐसे करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा उसको उठा के रखेंगे। तो उसको रखना है ये नॉर्मल, ना चिन अंदर ना चिन ज़्यादा ऊपर। अब बारी है टांग की। अब जितना इसको स्पीड से कर पाएँ ज़रूर कोशिश करें, और जिसे लगता है कि मैं इतनी स्पीड से नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो आराम से कर लीजिए, कोई बात नहीं। और एक और चीज़ बतानी है मुझे, अगर ऐसे रखते हुए आपको लगता है कि आपके नीज आपको चुभ रहे हैं, आपके बोन्स कुछ आपको इरिटेट कर रहा है, तो आपके नीज के नीचे पिलो रख लें पतला सा, ताकि आपके नीज कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि कंफर्टेबल होना सबसे पहले ज़रूरी है। ऐसा कोई भी काम ना करें जिसे करते करते आपको दिक्कत हो रही हो, क्योंकि उसका फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला। फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आप मन से कर रहे हैं, तभी फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो चलिए, क्या करना है, गर्दन यही रहेगी, सांस भरते हुए टांग ऊपर जितनी ये ऊपर उठा सकते हैं, सांस छोड़ते हुए घुटना आगे, पैर उठा रहेगा जमीन से। ब्रीद इन आउट, इन आउट, सांस ले छोड़े, ले छोड़े, ले छोड़े। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रखा। मैंने 10 बार किया है, मैं पहले की वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ, आपको 10 बार नहीं करना है, आपको कम से कम 30 से 50 बार करना ही करना है। चलिए दूसरी टांग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और स्टॉप। इसे करने के बाद लेटेंगे पेट के बल। मैंने हर वीडियो में 2 या 3 चीज़ें ही बताई हैं, मैंने एक साथ इसलिए नहीं बताई सारी चीज़ें। उससे क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, अरे इतना लंबा वीडियो है, इतना कुछ है, हम कैसे करेंगे, है ना, ये बात होती है। तो हर वीडियो में 2 से 3 चीज़ बताइए, ताकि आप पहले उसका अच्छे से अभ्यास कर लें, फिर उसमें आगे की चीज़ जोड़ लें। और करें ज़रूर, प्लीज़ अपने शरीर का ध्यान आप ज़रूर रखें, कुछ ना कुछ अभ्यास ज़रूर करें। चलिए, अब क्या करना है, ये लेटे, पैरों को बाहर की तरफ खोला, बाजू को साइड पे फैलाया, अब सांस भरते हुए शरीर उठाना है, इन्वर्टेड पॉट पोज बोलते हैं इसे, उल्टी नाव बनानी है। ठीक है, सांस लेते हुए छोड़ते हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 10 नहीं करना है, 25 से 30 बार या फिर थोड़ा उससे और ज्यादा। तो जब ये हो जाए, हाथों का सहारा ले, थोड़ी देर के लिए शशांक आसन चाइल्ड पोज में आए इस तरह से, और अपने माथे को रखें नीचे। यहां पे रुके, लंबी लंबी श्वास, और सांस भरते हुए सीधा। तो आज की दो
इन क्रियाओं को, इन आसन को भी शामिल करें और फ़ायदा उठाएं। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही हैं तो आगे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको किसी और कोई परेशानी है, किसी तरह कोई दिक्कत है, आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरे उस वो नॉलेज में होगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ और आपको उसका फ़ायदा मिल सके। मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सबका धन्यवाद।